Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. ये दास्तां है राजेंद्र कुमार साहब की, वही राजेंद्र कुमार साहब जो कि जुबली कुमार के नाम से जाने जाते थे। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। हीरो बनने के बाद भी इन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी, बड़ा ही खतरा था। दरअसल बात यह रही कि इनके दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे, बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो उन्हें कराची छोड़कर मुंबई का रुख करना पड़ा। सब कुछ लुटपट गया और तब राजेंद्र कुमार ने वो फैसला किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। ये बन गए उस जमाने के मशहूर मारूफ डायरेक्टर हरनाम सिंह रवेल यानी कि एचएस रवेल के असिस्टेंट डायरेक्टर। 5 साल लगातार ये एचएस रवेल के साथ काम करते रहे। फिल्में की पतंगा, सगाई, पॉकेट मार वगैरह वगैरह। बाबूजी, आपने उसे देखा नहीं, उससे बात तक नहीं की और अपना फैसला सुना दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बाबूजी कि ये लड़की उतनी ही इज्जतदार है जितनी कि मेरी माँ थी या मेरी दादी। राजेंद्र! हाँ बाबूजी, आप एक बार उससे मिलिए तो सही। तुम चाहते हो कि अब मैं एक एक्ट्रेस से भी बात करूं? एक्ट्रेस होना कोई बाप तो नहीं बाबूजी कि उससे बात भी न की जाए। इन्होंने केदार शर्मा साहब की फिल्म जोगन में एक छोटा सा किरदार निभाया था जिसके हीरो रहे दिलीप कुमार। उसी दौरान देवेंद्र गोयल नाम के एक बड़े जाने माने प्रोड्यूसर ने इन्हें एक फिल्म के लिए बतौर हीरो साइन किया। फिल्म रही वचन। इस फिल्म के लिए राजेंद्र कुमार को 1500 रुपए का मुआवजा दिया गया। ये हीरो बन गए थे लेकिन फिर भी मन में डर था क्योंकि भारत के विभाजन के बाद इन्होंने मुफलिसी का सामना किया था। ये दिल्ली शहर छोड़कर मुंबई की तरफ आए थे। जेब में पैसे बहुत कम थे और डर रहे थे कि अगर हीरो ना बन सके, सफल हीरो ना बन सके बल्कि, तो क्या करेंगे। इसलिए इन्होंने एसएस रवेल साहब के यहाँ की नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन इससे पहले इनकी चिंताएं इन पे भारी पड़ती, फिल्म वचन हिट हो गई और उसके बाद राजेंद्र कुमार साहब ने कभी पलट के नहीं देखा। ये बन गए थे जुबली कुमार। जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाला है, जब उनका दिल टुकड़े हो रहा है तो तुम्हारी धरती के हजार हजार टुकड़े हो जाएं, मुझे कोई परवाह। ऐसी और भी बड़ी हैरत अंगेज दास्तानें सुने सिर्फ पेश 3 रिपोर्टर पर। ऐसी और भी बड़ी जबरदस्त बातें सिर्फ पेश 3 रिपोर्टर पर।